friends, subscribe the Ask Technology channel and hit the bell icon to get all new updates about Ask Technology's informative videos. हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आस्क टेक्नोलॉजी। ओह, एक्चुअली उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। खैर, छोड़िए, पॉइंट पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट टाइप के कैलिपर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, डिजिटल कैलिपर एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायल कैलिपर के बारे में कि डायल कैलिपर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसे रीड करते हैं। कुल मिला के हमारे जितने भी डाउट्स हैं डायल कैलिपर के बारे में, वो सारे हम क्रैक करेंगे अपने इस वीडियो में। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट आउट। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास डायल कैलिपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अदर कैलिपर्स की तरह सिमिलर ही होता है लुक्स में, पर इसमें एक डायल लगा होता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका मेन पार्ट है डायल, जिस पर मिटूटोयो की ब्रांडिंग है, क्योंकि इसका मेकर मिटूटोयो है और मिटूटोयो एक ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे इसके लोअर जॉज दे रखे हैं जिससे कि हम किसी भी पार्ट का आउटर डायमीटर मेज़र कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके अपर जॉज है जिससे कि हम इनर डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। और अदर कैलिपर्स की तरह इसमें भी यहाँ पे पीछे डेप्थ रॉड निकल के आती है जिससे कि हम डेप्थ चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें यहाँ पे नीचे एक लॉकिंग स्क्रू दे रखा है इसके डायल को लॉक करने के लिए, और ऊपर दे रखा है इसके इमूवेबल जॉ को लॉक करने के लिए नट। ओके फ्रेंड्स, और नीचे स्लाइड करने के लिए व्हील दे रखा है। तो फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये टीथ बने हुए हैं रैक टाइप। अगर आपने पेयर पढ़ा हो रैक एंड पिनियन गियर्स का, तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे रैक टाइप के यहाँ पे टीथ बने होते हैं, और जो इसका डायल होता है इसमें एक पीछे पिनियन लगा होता है और वो इस पर मूव करता है, और उसी से ये जो इसकी निडल है वो मूव करती है रैक एंड पिनियन गियर्स की तरह। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसे रीड कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसे रीड करना बहुत ईजी है, वर्नियर कैलिपर से भी ईजिली हम इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लाइन कौन साइड कर रही है हमारे मेन स्केल से, बट इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, तो ये उससे ईजी है। अगर आपको कोई इशू है वर्नियर कैलिपर रीड करने में, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी मैंने अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको सारे यूज़फुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डायल कैलिपर पे आते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको किसे रीड कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट क्या है, और वो लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट पर लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके डायल पर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 0.05 mm, तो इसका लीस्ट काउंट है दोस्तों 50 माइक्रोन, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, और 0.05 का मतलब हो गया 50 माइक्रोन। ओके फ्रेंड्स, तो जो इसकी एक डिवीज़न है वो 50 माइक्रोन की है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी डायमेंशन मेज़र कर सकता है, तो वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये कम से कम कर सकता है 50 माइक्रोन, और इसका एक जो डिवीज़न है, ये जो हमारा जीरो से लेके ये पहला डिवीज़न आ रहा है इसका, वो है 0.05 mm का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसे रीड करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके जॉज को क्लियर करके इसके जॉज को मैच करेंगे एकदम ज़ीरो पे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपका डायल ऊपर नीचे है तो आप यहाँ से घुमा के उसे ज़ीरो कर सकते हैं। सबसे पहले आप जॉज को क्लियर कर लीजिए और फिर इसे ज़ीरो पे ले आइए। अगर डायल आपका ज़ीरो पे नहीं है तो उसे सेट कर लीजिए और यहाँ से लॉक कर दीजिए डायल, ताकि आपका घूमे ना। तो अब अगर हमें कोई भी रीडिंग इससे लेनी है तो कैसे लेंगे? तो अगर आप कोई छोटी रीडिंग लेना चाहते हैं 0 से 10 तक, तो आपको मेन स्केल रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायल पे ही डायरेक्ट ही रीड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ग्रेजुएशंस देख रहे होंगे, 0.5 मतलब आधा mm हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 mm, यहाँ 2, यहाँ 3, 3.5, 4, 4.5, 5, और यहाँ पे 5 भी दे रखा है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 mm तक आप डायल पे ही रीड कर सकते हैं पहले 10 mm ईजीली। वो कैसे? जैसे ही हम इसको मूव करेंगे मूवेबल जॉ को, तो आप देख सकते हैं इसकी निडल मूव कर रही है, तो अब ये हो गया पूरा 1 mm। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेन स्केल पे भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक डिवीज़न, इसका मतलब 1 mm हो गया है। और अब मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा तो ये हो गया 2 mm, 3 mm, 4 mm, और ये 5 mm। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेन स्केल पे भी 5 डिवीज़न कवर हो गए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और ये
पूरे हो जाएंगे 10 mm, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेन स्केल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लॉक ले लिया है, इसका आउटर डायमीटर हम चेक करेंगे। तो हम मूव करेंगे जॉस को और इसके आउटर डायमीटर को चेक करेंगे, हल्का सा प्रेशर देंगे, ना कम ना ज़्यादा। इसके बाद जॉब को रख दीजिए, कैलिपर को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि ये मूव ना करें। तो चलिए अब इसे रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेन स्केल फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं 60 कंप्लीट हो गया है, 60 के बाद ये 65 हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब डायल पे नज़र मारेंगे तो आप देख सकते हैं डायल पे हमारी जो शो कर रहा है रीडिंग, इसने कितने डिवीज़न कवर कराए हैं आप काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5, 5 इसने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो 5 × 5 25। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा 65.25। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम डायल कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं और डायल कैलिपर को हम रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब था डायल कैलिपर के बारे में, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे चैनल की अपडेट्स आपको मिल जाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।